2023 में मुंबई से दिल्ली तक का जो सफर है वो महज 12 घंटे का रह गया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुंबई से दिल्ली तक का जो रेल सफर है इसको और भी थोड़ा सा छोटा किया जाए। इसी के लिए यहाँ पर भारतीय रेलवे और भारतीय सरकार ने एक यहाँ पर स्कीम चालू की है, जिसको देखते हुए यहाँ पर मुंबई से दिल्ली के बीच में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। जी हाँ, अब ऐसा क्या है तो सबसे पहले मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और आप लोग बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए, देश की पहली स्लीपर वंदे भारत मुंबई से दिल्ली के बीच में चलाने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली मुंबई रूट पर ट्रेनों की जो औसतन गति है वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रैक को मजबूत करने और दोनों तरफ दीवार बनाने का काम चल रहा है। मिशन से जुड़े इंजीनियरिंग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दीवार और ट्रैक को मजबूत करने के अलावा जितना सीधा उसको रखा जाएगा उतनी ही स्पीड काफी अच्छी बनी रहेगी। तो इस पूरे रूट पर स्पीड से ट्रेनें चलाने के लिए पटरियों के दोनों छोर पर फेंसिंग जरूरी है और योजना का करीब 50% हिस्सा यानी कि 792 रूट किलोमीटर में जितना है वो पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में है और इस पूरे हिस्से में जो है वो कैटल फेंसिंग और वॉल फेंसिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगर हम बात करें तो 5 साल पहले मुंबई से दिल्ली के बीच में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए मिशन रफ्तार परियोजना की शुरुआत हुई थी और 1478 किलोमीटर रूट और 8000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के 90% से ज्यादा काम पूरे हो चुके हैं। रेलवे के अनुसार 2024 में मई तक यहाँ स्पीड ट्रायल किए जा सकते हैं जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अभी जो है वंदे भारत जो ट्रेन है यहाँ पर वो स्लीपर वर्जन वाली इसमें चलाई जाएगी, जैसा कि इसकी स्पीड भी अधिक रहेगी। ये पूरा काम ट्रैक को मजबूत करने का यहाँ पर किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनों की औसतन रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रहने वाली है, लेकिन बताया जा रहा है कि रफ्तार को 200 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि रेलवे अधिकारी के अनुसार ट्रैक को मजबूत करके रफ्तार तो बढ़ सकती है, लेकिन जब गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचेगी तो ब्रिज, सिग्नल, ओवरहेड वायर आदि पर भी काम करना होगा और इस प्रोजेक्ट में फिलहाल ट्रैक की क्षमता बढ़ाई जा रही है। और हम आपको कुछ आंकड़ों में बताएं तो ये जो कॉरिडोर है वो मुंबई से दिल्ली है और इसको मंजूर किया गया था 2017 और 18 में। इसकी लंबाई 1478 किलोमीटर की है। लागत मिशन रफ्तार के तहत 8095 करोड़ रुपए बताई गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी और उसकी जो अधिकतम रफ्तार है वो यहाँ पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। हालांकि जब ट्रैक 160 तक रहेंगे तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफी आसानी से उसको जो है वो यहाँ पर चलाया जा सकता है। तो चलिए, ये थी एक छोटी सी न्यूज, आपको कैसी लगी कॉमेंट में बताइएगा जरूर। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।